अनिता जस्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए, मैं चिल्ला बना रही हूँ, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई हूँ, बहुत ही झटपट बन जाते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बना कर ट्राई कीजिए, अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो। ये है उड़द का दाल, चना दाल, मैं 5 प्रकार के दाल ले रही हूँ। यह है मसूर का दाल और यह है अरहर का दाल, ये मूंग है। हमारे पास मूंग का दाल नहीं था, मैं सोची चले मूंग ही डाल देती हूँ, वो भी तो दाल ही है। इसे इससे अच्छे से सब मिला के मिक्स करके आप अच्छे से साफ सुथरा करके इसे और 2-3 पानी आप धो लीजिए। इसमें जो भी गंदगी पाउडर वगैरह रहता है, मार्केट का दाल है, तो इसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। साफ करके इसे पानी डाल के ढक दीजिए, 1-2 घंटे ये फूल जाएंगे। फूलने के बाद आप इसे पीस लीजिएगा। देखिए मेरा फूल चुका है, मैं इसे ग्राइंडर में डाल रही हूँ। डालने के बाद इसमें पानी भी डाल के पीसिए और इसमें नमक सॉरी लहसुन मिर्ची अदरक डाल दीजिए। और चलिए देखिए पिसा चुका है। पिसने के बाद है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी उसमें जो जार में लगा है उसे निकाल लीजिए। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, आपको जो मसाला पसंद है उसे डाल सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा मसाला की ज़रूरत नहीं है। लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया सब डाल दीजिए। डालने के बाद इसे और साबुत जीरा अच्छे से घोल दीजिए। घोल के 2 मिनट के लिए रख दीजिए। देखिए हमारा घोल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा रेडी है। अब इसे नमक मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, नमक बनाइएगा तभी मिलाइए। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें सब्जी काटनी है। देखिए जो भी आपके घर में सब्जी है आप वो सब्जी ले लीजिए। अब यह तवा गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा तवा रखना है। ज़्यादा गर्म रखिएगा तो चिपक जाएंगे और कम गर्म भी रखे तभी चिपक जाएंगे। ऐसे देखिए अच्छे से फैला लीजिए घोल को। अब इस पर जो भी आपके सब्जियां हैं इसमें आप डाल दीजिए। चलिए, अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अगर आपको अच्छा हमारे वीडियो लगे तब चलिए हमारा ये तैयार हो गया। लट पलट के से निकाल लीजिए।